तेलंगाना में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद सीट से एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपना दांव खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने अपनी मजबूत प्रत्याशी माधवी लता को हैदराबाद सीट से टिकट दिया है। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पास। नमस्कार भाई। तेलंगाना की सबसे कोर सीट माने जाने वाली हैदराबाद से इस बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया है। वहां तकरीबन 40 साल या यूं कह लें 10 टर्म से ओवैसी परिवार का है, वहां से कोई हटा नहीं पाया है। तो ऐसी कोई बड़ी गढ़ नहीं है, वो तो मिट्टी से बनी हुई है और उसको तोड़ना बहुत आसान है। भाजपा हिंदुत्व के कार्ड पे लोकसभा चुनाव लड़ रही है और आपको कोर मुस्लिम सीट एक तरीके से दे दी गई है। आप कहती आ रही है कि हैदराबाद का पसमानदा मुसलमान वर्ग या वहां रहने वाले लोग आप पर भरोसा करते हैं, ऐसे में हिंदुत्व और ये मुस्लिम सीट के बीच में जो गणित है उसको आप कैसे मैनेज कर रही हैं? जब मैं पसमानदा औरतों के साथ काम करती हूँ, क्या मैं पूजा पाठ करना बंद कर दूँ? जब मद्रास उनके बच्चों को खाना खिलाती हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं मंदिर जाना बंद कर दूँ? तो मेरा निजी मामला है, मेरा अपने धर्म के प्रति मैं ठहर रही हूँ और मेरा धर्म यही सिखाता है कि सारे धर्म करना। शायद वही तो मोदी भाई ने किया है ना, जब उन्होंने यूसीसी दिए है तो किसके लिए लाए थे यूसीसी लागू में? केवल एकमात्र हिंदू औरतों के लिए तो लाए नहीं है, वो सारे माइनॉरिटी औरतों के लिए लाए थे। आपने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हिंदू भाई इकट्ठा हो गए तो इस बार असद के लिए काफी मुश्किल खड़ी होने वाली है, तो आप भी क्या धर्म की राजनीति को जीत का रास्ता मानती? किसी ने उसके लिए एक सवाल पूछा था मुझे कि आप इतना सारा काम जब पसमंदों के लिए मद्रासों के लिए कर रही हैं, सलमान भाई बहनों के लिए क्या आप यकीन मानते हैं कि वोट डालेंगे वो? तो उसका जवाब में हमने बताया कि भैया अगर वो वोट नहीं डाल सकते तो हम उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमारा 8 से 10 लाख हिंदू भाई बहन बस है उन सारा मुसलमान भाई बहनों को भी न्याय दिलाने के लिए, लेकिन हम अकबरुद्दीन के जैसे तो नहीं है जब 15 मिनट खिड़की बजाकर बोलते हैं कि वो क्या करने वाले। आप कभी पीएम मोदी या फिर अमित शाह से मिली हैं क्या, उनसे मुलाकात किया? सीट देने से पहले तो मैंने कभी नहीं मिला था, बस उनका बड़ा ही इज्जत और प्यार है मेरे दिल में। 10 टर्म से IIM हैदराबाद में है, आप कई मौकों पर कही है कि ओवैसी परिवार ने बहुत कुछ नहीं दिया हैदराबाद को, कैसे आखिरकार AIIM वहां से जीत रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अभी कुछ भी नहीं किए हैं, इसका मैं एकमात्र आपको समाधान देती हूँ कि जिस घर परिवार महीने के आखिर में 100 रुपए कचरा उठाने वाले को नहीं दे सकते हैं, ये समझ कर कि वो 100 रुपए से और एक 4-5 दिन की उनके घर में राशन खरीदी जा सकती है, अभी ये एक बात बस नहीं है समझने के लिए उनके हालात के। एक भी IT कंपनी या एक भी ऐसा कंपनी पूरा हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है जिसको पकड़कर आप शान से बोल सके कि अरे हमारे पास DLF है, हमारे पास IT कंपनी है या हमारे पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वो कहते तो हैं कि हम बच्चों को हैदराबाद के या फिर तेलंगाना के मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं अपने कॉलेज में और चिकित्सा तक हॉस्पिटल्स में फ्री दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक नया नया प्रिंसेस ससुराल एक नया बना है, जिम्मेदारी क्या है MP का? खुद का हॉस्पिटल बनाओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डेवलप मत करो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर डेवलपमेंट मत करो। क्या मुद्दा MP का खुद का हॉस्पिटल खुद के कॉलेज में बात करना है? क्या मुद्दा है MP के लिए 1 करोड़ लोगों के लिए कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, कितने कॉलेजेस बने बात करना? ऐसे कौन से मुद्दे हैं मतलब नेशनल लेवल पे, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आप इस बार चुनाव में उतर रही है, जनता के बीच जा रही है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकलवाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड Article 30। आप मदरसा ऐसा खोल सकते हो जहां आप इस्लाम की पढ़ाई के साथ साथ आप उस स्टेट या सेंट्रल का परमिशन भी लेकर आप वो सिलेबस भी पढ़ा सकते हो बराबरी से। तो आप मदरसा उनसे क्यों लड़कों को लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे? आप क्यों उस स्कूल में आ रहे हैं और इनको भड़का रहे हो लड़की लड़कों को ये हिजाब पहनने के लिए और बच्चों को सेंट्रल या स्टेट सिलेबस पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड और लॉयर बनाने का हक आपके हाथ में दिया गया आर्टिकल 30 से, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वो ऐसी परिवार से आपकी मुलाकात भी कभी उनके उनके साथ कभी मुलाकात हुई आपसे पहले? भैया पहली बात तो ओएसी जी सबसे तो नहीं मिलते हैं और हमको उनसे मिलने की मौका अभी तो एक ही जगह पे है, पार्लियामेंट से यहाँ से हार कर पार्लियामेंट से वो बाहर निकल जाएंगे हमको नमस्कार बोलते और हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं उनको देखेंगे आधा कर। पूरे चुनाव में क्या लग रहा है इस बार सीटों का समीकरण, क्या भाजपा को ज्यादा सीटें मिलेंगी, कितना अनुमान है आप लोगों को इस बार तेलंगाना में भाजपा कितनी सीटें ला सकती है? भैया मैं एक बात तो बता सकती हूँ बड़ी हिम्मत से होकर आप एक ही बात कह सकती हूँ कि ऐसे नंबर लाएंगे कि तेलंगाना के आपके जो यहाँ पे गवर्नमेंट है और AIIM में चौंक के रह जाएंगे। मोदी भाई बोले 400 पार करने के, वो पार करने वाले एक सीट हम दे देंगे तो 401 हमारे तरफ से हैदराबाद तो हो गया, अभी 50-16 सीटें मेरे हिसाब से 13-14 तक आना चाहिए। ये थी माधवी लता जी जो हैदराबाद से इस बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इकलौती महिला प्रत्याशी हैं जो AIIM के खिलाफ लड़ रही हैं। देवांशु तिवारी हर्ष के साथ दैनिक भास्कर तेलंगाना।